सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आतंकवाद के मसले पर बातचीत को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच विवाद हो गया। दरअसल इमरान खान को बधाई संदेश के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान को आतंकवाद और अफगानिस्तान के मसले पर सही दिशा में काम करना है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी किसी बातचीत से इनकार किया था और अमेरिका से अपना बयान सुधारने के लिए कहा था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जबकि खुद पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले थे, तो इमरान खान ने एक और सख्त बयान दे दिया है। पोम्पियो के दौरे पर इमरान खान ने कहा है कि उनकी सरकार ट्रंप प्रशासन की एक तरफा मांग नहीं मानेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास में पत्रकारों के एक समूह से बातचीत करते हुए इमरान खान ने पारस्परिक सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की उनकी प्रशासन की नीति को दोहराया। पोम्पियो 5 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और उनके दौरे से पहले इमरान खान का ये बयान उनके इरादों को साफ करता है। इमरान के ये तेवर उस हालात में दिखाई दे रहे हैं जब अमेरिका आतंकवाद के नाम पर बड़े पैमाने पर उसकी फंडिंग पर बैन लगा चुका है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक मदद में भारी कमी की गई है। ऐसे में पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के नए मुखिया का अमेरिका के प्रति ये रुख उसे और मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि इसके पीछे चीन को भी वजह माना जा रहा है, क्योंकि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान काफी काम कर रहा है और इमरान खान भी अपने बयानों में अक्सर चीन की अर्थव्यवस्था और उससे सीखने की बात करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका की बढ़ती घनिष्ठता के चलते भी पाकिस्तान चीन के पाले में रहने के प्रयास कर रहा है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।